तो कल है इसकी बाकी श्राद्ध। बोलो बा, कल आपकी श्राद्ध दे, आप आओ खाना खाना। कल आपकी श्राद्ध दे, बस आओ खाना। हाँ, अब चौखट पे सिला दो, चल। हाँ, दोनों तरफ। तो कल, क्योंकि सेजल अपनी बा का बहुत ज्यादा फेवरेट था। दोनों तरफ, दोनों तरफ, बाहर 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 जाओ। उधर कोने पे, हाँ यहाँ कोने पे, बस। और इधर साइड में, बा फिर कल इसके बाबा का श्राद्ध था चौथ वाले दिन, और आज इनकी अम्मा का श्राद्ध है। कल कल बनाएंगे उनकी फेवरेट। आज क्या संडे, गुड मॉर्निंग, मेरा कॉलेज है। गुड मॉर्निंग, कल तेरा कॉलेज है, लेकिन आज पता क्या है, आज श्राद्ध है बाकी और उनकी पापा के बाबा की। कल तुम्हारे बाबा की थी, आज पापा के बाबा की है। तो खाना वगैरह अब करेंगे तैयारी, और आप सबको भी दिखाते रहेंगे अपने साथ। स्टॉप रखना, ठीक है। बोलो, फिल्टर पानी थी एक बार, तो यहाँ पर चढ़ा देंगे अपने चावल। चावल फिर ये खा भी लेता है ना, तो मुझे टेंशन इसलिए है नहीं। सुजन वो दिए बेटा, एक तरफ लगा दूंगा आटा, वो दे दो पानी पीने के लिए बोतल में, नहीं इसके लिए बनेगा ना खाने के लिए, इसमें दे आधा देना। और फिर हमारी सब्जी की भी तैयारी शुरू हो जाएगी साथ के साथ। आज बनेगी आलू गोभी की सब्जी सूखी वाली। तो इस तरह से सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग मेरी कुछ हो चुकी है। आ जाइए पूजा को मंदिर में दिखाती हूँ। कल ही मैंने आप सबको दिखाया था लाइव में कि हमारा पूजा का टाइम जैसे रहेगा ना, हम फिर पूजा वगैरह नहीं कर सकते हैं सर, सर कपड़े वगैरह नहीं धो सकते, तो मैंने रात में ही कपड़े धो दिए थे, और यहाँ मैंने ज्योत लगाई है जिससे खाना वगैरह निकलेगा ना, तो ये सब वहीं रख लूँगी ज्योत को भर के। खाना आज निकलेगा मम्मी का, और मेरा सारा काम हो चुका है। क्या पंखा चल रहा है ना, तो एक कुकर मैंने ये चढ़ा लिया, इसमें बनाऊंगी खीर, बस पानी डालूंगी, और एक में बनाऊंगी सब्जी। और सब्जी में क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, आलू गोभी की सब्जी। यहाँ दूध मेरा गरम हो गया, ये रहा मेरा कुकर दूसरा वाला, मेरा एक, ये मेरा दूध थोड़ा सा निकल गया था, इसे अवॉइड करेंगे, पानी हो जाएगा है यहाँ। ये बंद कर दिया, अब दूसरा स्टार्ट करेंगे। यहाँ होगी हमारी आलू की कटिंग की तैयारी। चलिए तो फिर मिल दूंगी अब खाना बनाने के। खीर के चावल भी हो गए,
और चलो अब फाइनल बनाने के बाद दिखाती हूँ। और ये है मेरी सुजन, जाओ नहा लो जल्दी जल्दी। और शुभम नहाने चला गया और मैं बस अब तैयारी करके फिर दिखा। तो जैसे कि आप सबको पता है दो जन इनकी हाथ है, एक बाबा जी की भी और मम्मी की भी। तो उनके लिए मैंने क्या करा, मेरी जो सासू माँ ना उनको वो पसंद था हलवा, तो यहाँ मैंने अठावड़ी बना दी, पूड़े का बैटर मैंने यहाँ तैयार कर दिया है। पता नहीं तो उसी हिसाब से मैंने क्या करा यहाँ पे ये पूरी स्टार्ट कर दी बनानी। और मेरी सासू माँ को हलवा पसंद था तो हलवा, तो यहाँ पे ये मम्मी को बनेगा मम्मी के लिए हलवा जैसे कि आप देख रहे हो दे रहा। और यहाँ बनेगी देवताओं की खीर। थोड़े से चावल मैंने निकाल ली क्योंकि मेरे सूजन को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये बनेगी चावल। यहाँ मेरी सब्जी तैयार हो गई, देख आलू गोभी सब्जी का कलर कितना सुंदर आया ना, अच्छा लग रहा अभी मिक्स होगा और अच्छा हो जाएगा। और बस डलेगा इसमें धनिया और यहाँ बना गया हलवा। तो इस तरह से हमारे यहाँ देवताओं की थाली निकलती है, आपके यहाँ किस तरह से पूजन किया जाता है मुझे जरूर बताएगा। अब ये पूजा की जो ज्योत है वो काम आएगी। और सुबह सुबह का रूटीन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हो जाता है। सुनील जी भी तैयार हो गए हैं, वो जाने वाले कहीं निकल रहे हैं मीटिंग के लिए, शिवम कर रहे हैं। चलिए रात गई बात गई मतलब कोई झगड़ा हो जाए हमारे बीच में तो थोड़ी देर के रखो उसके बाद से भूल जाओ। अच्छा भूल कैसे जाओ, फिर हम प्यार से बात करने लगे झगड़ा कहाँ रहेगा। ये तो बेहबंदी वाली बात है ना, मेरे ख्याल से हम दोनों लाएंगे होगी, तुम गुस्सा हो मैं गुस्सा हूँ, लेकिन जब मैंने शुरुआत कर दी प्यार बात करने की या तुमने कर दी तो मान जाना चाहिए। कौन कौन इस बात से एग्री करता कि रात गई बात गई, रात गई बात गई या दिन में भी लड़ाई हुई? नहीं, सुबह सुबह फिर निकलेगा और सुबह फिर लड़ाई के लिए मूड बनाना पड़ेगा। तो चलिए आज है इनके बाबा की और हमारी सासू माँ की श्राद्ध। और हमने मम्मी क्या पसंद है जरा बताओ, मम्मी के बारे में तो पता ही होगी रिसेंटली मम्मी को। हाँ और वो सब्जी कौन सी पसंद थी सबसे ज्यादा, सब्जी साग। अच्छा वो मम्मी का क्या करी जब लास्ट में ना मम्मी को परहेज बता दिया तो मम्मी कैसे क्या करी, लाल भैया परहेज वरेज गया भाड़ में, मैं जब मरूंगी मर जाऊंगी परहेज वरेज ना करो, सब कुछ खाना शुरू कर दिया। लो निकाल बोरी पूरी उस तरफ। तो ये है हमारा जल जिस तरह हम रोटी निकालते हैं, तो यहाँ जोत रख लेंगे यहाँ पे दो करो बिजली का बिल कद 10 तारीख में दिया, तेना काम वाली पेमेंट कद 5 तारीख में दी। एक बात आप जैसे कि देख ही रहे होगे हमारे यहाँ पर जैसा भी ट्रेडिशनल होता है उसी तरह से हम अपना कंप्लीट करते हैं। कल शिवम ने निकालती आज सुनील जी निकालेंगे क्योंकि इनके बाबा जी की श्राद्ध है। और खीर का प्रसाद हमने वितरित किया था जो भंडारे वगैरह का, और बस सब खाना वगैरह निकालने के बाद फिर गाय को देंगे फिर बच्चों को देंगे। चलिए दिखाते हैं। दोनों के लिए बोलेंगे कि मतलब आकर खाना खा लो अम्मा और बाबा। और चूड़े और इन रोटियों को शिवम ले जाओ खिला दे आज भी भूल जाए पापा मम्मी दोनों का बाबा का। अब लगाएंगे अपनी मम्मी पापा को भोग क्योंकि बाबा जी का भी
हमने अन्न भोग करा दिया था, तो फिर अब देंगे गाय को। मतलब कहाँ डालना है? पहुँच कर रोड क्रॉस। तो ये है हलवा, खीर, सब्जी, इस तरह से दोनों जगह की थाली। और अब जाएगा ये सूजल लेकर, ना मतलब वहीं एक जगह ही जब रखेगा ना फुटपाथ पे, हाँ दोनों रख के और जले चारों तरफ फिरा दियो रोड क्रॉस पे कोने की तरफ जहाँ से हम निकलते थे वहाँ। पता तो तुझे जैसे बस ठीक है। अच्छा अभी तो रोटी कस वही ना चला है, कितने टोटल हम तो बता दे, ये हिसाब में पड़े मेरे खाने की तैयारी हो रही है। तो हाय एवरीवन, तो सुबह तो आपने देखा ही था जब हमारे यहाँ शरणागत बननी थी, तो अब ये भिगोने क्यों साफ हो रहे हैं और खाने में क्या बनाया सिर्फ दिखा दे। बोल रहे सिर्फ क्या दाल चावल, तो ये मैंने बनाई है दाल चावल। और इस टाइम आता है हमारे यहाँ पर ये दूध, जिसे मैं चाय छन्नी की मदद से क्या कर दूंगी, छान के रख दूंगी। ये रहता है 3 किलो दूध है मेरा जो इस टाइम आता है। अब बच्चों के लिए सुबह मॉर्निंग से लेकर अपने कंटिन्यू, मतलब मेरे चलता है। ये मैंने बटर पेपर मंगवाया है और यहाँ मेरी दही है जो मैंने जमा कर रखी है। चावल ये एक तरफ के चावल होंगे, अब मैं इसे ऑन कर दूंगी। दाल बहुत टेस्टी और यमी बनी है और चावल ऑफकोर्स। अब हो गया हमारा डिनर टाइमिंग। अब इसी तरह से मतलब कनागत अब जब स्टार्ट हो गए ना, तो अब शुरू ही हो जाएंगे, सारी चीजें ढक के रख देंगे। खाना खाने का टाइम हो गया, ये रख दूंगी मैं फ्रीज में और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। हमने लगवाया आज ये कनेक्शन और फिर मैंने मतलब जो सुबह शाम तक का रूटीन होता है वो कुछ इस तरह होता है। अभी सोने की तैयारी रहेगी तब तक। और मैंने मंगवाई है तोरे की सब्जी, ये ना कल लेके आया था सूजन। किचन से विंडो का मेरा अप डाउन है तो ये मैंने बनवाया अभी स्काई रॉड करके जो नया कनेक्शन लगवाया। पहले हमारे में अलग था ये वाला, लेकिन वो कंप्लेंट ज़्यादा कर रहा था इसी वजह से हमने वो स्किप कर दिया। और मंदिर इसी टाइम सारा का सारा लगा के रख देते हैं ताकि सुबह सुबह मॉर्निंग में किसी तरह खाने वगैरह की निकालने की तैयारी रहे। तो कल सेजर पकड़ा था हमने, आज सूजर को दिखाते हैं पढ़ाई के नाम पर क्या कर। ये आएंगे इनकी पढ़ाई में, इसे क्या बोलते हैं, किस कैरेक्टर का है? तो ये इस ये ना 12th क्लास में ये आएगा, इसके में एनिमी 11th में तो है, 11th 12th में कैंटर। तो इस तरह किस किस के बच्चे होते हैं जो साउंड ऐसा धीमा कर खिचलाते हैं। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे करूंगी एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियोज और हमेशा इसी तरह से सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप सो आप सब मुझे इतना पसंद करते हैं। तो लाइक शेयर कमेंट करके बाय बाय और बोलिए नेक्स्ट ब्लॉग के लिए।